हेलो फूडीज एंड वेलकम टू फूड नगरी बाय यूबी मीडिया। आज हम हैं निपानिया एरिया में तुलसी नगर रोड पर, जहां पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अवंते रूफटॉप कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। तो चलिए जानते हैं क्या है इसमें इंटरेस्टिंग और बात करेंगे इसके ओनर से। ओके गाइस, सो लेट्स वेलकम द ओनर ऑफ अवंते रूफटॉप कैफे, मिस्टर आकाश जैन। हेलो सर एंड वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो कि आपने इस वेंचर की स्टार्ट कैसे किया, आइडिया कैसे आया एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस वेंचर? मैम, फील्ड में इंटरेस्ट था इसीलिए सोचा कि कुछ स्टार्ट करते। तो पहले मैंने एक छोटा स्टेप लिया था, क्लाउड किचन सेटअप करा था। एक बार वो थोड़ा रनिंग में आया, सक्सेस हुआ, तो उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूँ। Okay. तो फिर मेरा ये प्लान हुआ, ये जगह देखी, ये पसंद आई, तो फिर यहाँ पे पूरा एक सेटअप डाला रेस्टोरेंट का। तो इससे पहले आप किस चीज में इन्वॉल्व थे, व्हाट वाज योर प्लान? मैम, इसी फील्ड में था, पहले डिफरेंट स्टडी करी, कहीं पे जॉब भी करे। ओके okay. तो सब जगह का एक्सपीरियंस लेके फिर एक खुद का स्टार्ट करने का स्टार्टिंग से ही था। यस डेफिनेटली सर, जैसे कि इंदौर में हमको पता है इस वेंचर में काफी लोग जुड़े हुए हैं एंड इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव हियर बीइंग इन दिस रेस। So how do you cope up with your competitors? हम cope up तो अब ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन सबके अपने अपने चीज़ हैं। लेकिन मेरा एक मेन मोटिव और फोकस यही है कि मुझे अपने कस्टमर्स को अच्छा फूड, अच्छी क्वालिटी और अच्छा टेस्ट देना है, जो इंदौर में एक सबसे बेस्ट आइडियल चीज़ चाहिए रेस्टोरेंट। डेफिनेटली डेफिनेटली, देर आर मेनी अदर रूफ टॉप कैफेज एज वेल, तो आपके रूफ टॉप का ऐसा क्या USP है, क्या इसको डिफरेंशिएट करता है? जो है मेजर फोकस मेरा प्योर वेज रेस्टोरेंट पे है। Okay. तो फैमिली ओरिएंटेड मैं थोड़ा सा ज्यादा हूँ, इसलिए मेरा फोकस है कि फैमिली एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अगर कोई अपनी फैमिली के साथ हो तो उसे एक सूदिंग एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा खाना मिले, एक लाइट सा म्यूजिक रहे, वो एक कि वो उनको एक फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगे। ओके एंड व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा आपके मेन्यू में क्या है जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं? मैम, मेन्यू जो है मैंने बहुत खुद ही अपने सारी रेसिपीज से बनाया हुआ है, तो जो भी चीजें हैं मैंने बहुत सिलेक्टेड और वो रखी है ताकि जो एक ऑथेंटिक टेस्ट होना चाहिए चीज, yes. वो देने की कोशिश की है मैंने। डेफिनेटली आप काफी चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। चैलेंजेस तो लाइफ का पार्ट है, वो तो डेफिनेटली। सर, आप इतना ब्यूटीफुल सा रूफटॉप कैफे ओन कर बैठे हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक आप भी कुक करते होंगे। मैम, कुकिंग करता हूँ लेकिन इतना ज्यादा उसमें नहीं, शौकिया तौर पे करता हूँ। okay. शौकिया उससे ही थोड़ा थोड़ा चीजों को एक्सप्लोर करा है। आपने भी कभी कुक किया है लाइक आपके कैफे में? मतलब सैटरडे संडे से थोड़ा रहता ही है। ओके okay. रश रहता है तो थोड़ा अपने को भी आना ही पड़ता है किचन में कि चलो आज क्या चल रहा है, अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई हेल्प लग रही हो तो वो करते हैं। यस यस ओके। और सर, देयर आर मेनी अदर यंग एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, तो ऐसी क्या चीज है जो आपने फेस की एंड अगर वो अपने अर्ली 30s में इस फील्ड में एंटर करते हैं तो डेफिनेटली उनको फेस करनी पड़ेगी? मेजर तो नहीं, एक बार मार्केट पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। yes. एक बार वो मार्केट और एक लोकेशन, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी चीज़ में क्या दे रहे हैं। अगर आप रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको किस इन्वेस्टमेंट में क्या इक्विपमेंट्स चाहिएंगे, क्या आपका सेटअप है, क्या मेन्यू आपको देना है, देन yes. आप उसमें आगे प्रोसेस करें। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि आज की तारीख में सब लोग चाह रहे हैं कि मैं एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लूं, yes. लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें बैकअप में क्या चीज लगेगी उसे आगे कंटिन्यू रन करने के लिए। So there should be a plan B. एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। yes, yes. ओके सर, यू स्टार्टेड विद क्लाउड किचन व्हिच इज वेरी इजी टू मैनेज एज कम्पेयर टू डाइन इन। यहाँ पर आपको सेटिंग अरेंजमेंट्स जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है, हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो इस चीज़ को आप लेकर ये चीज़ स्टार्टिंग से ही फोकस में थी कि हमें अपने किचन को बिल्कुल क्लीन रखना है। जैसा हमारे घर में किचन होते हैं साफ सुथरे, मेरा यही फोकस था कि अगर मेरे यहाँ पे भी कोई आ रहा है खाना खाने तो उसे एक क्लीन एनवायरनमेंट ही मिले।
क्योंकि आफ्टर कोविड जब हमने क्लाउड किचन भी स्टार्ट किया था तो हमारा मोटिव यही था कि हमारे किचन बिल्कुल प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, ताकि अगर कोई एनी टाइम किचन के अंदर भी आ जाए तो उसे लगना चाहिए कि यार मेरा यहाँ का खाना जो भी आ रहा है वो अच्छी जगह से आया है। तो यही फोकस, यही चीज एम मेरा आगे भी है कि मेरे रेस्टोरेंट में भी किचन एनी टाइम कस्टमर कभी भी आके देख सकता है। गेट्स हमेशा ओपन रखता हूँ मैं किचन के, जो क्लीनलीनेस का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, ये सब चीज़ें होना ही चाहिए, तो ही एक जगह खाने का एक फील भी आता है कि नहीं यार कहीं अच्छी जगह हम लोग खाना खाने बैठे। यस डेफिनेटली हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑल। ओके सर, सो वी वुड लाइक टू नो कि किस टाइप की ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है आपके कैफे में, यंगस्टर्स और नो? मतलब अभी तक तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें मेरे को फैमिली प्लस यंग दोनों ही मिल रहे हैं। यस, दोनों का फुटफॉल अच्छा है, सबको फूड अच्छा लग रहा है। और मेजरली जो हमारे यहाँ की यूएसपी ये है कि हमें इंडियन फूड, एक इंडियन होने के नाते हमारी जो इंडियन फूड होना चाहिए वो चीज नॉर्थ इंडियन फूड का ज्यादा है। नॉर्थ इंडियन फूड पर आपका फोकस है? जी। ओके सर, क्योंकि आजकल नॉर्थ इंडियन फूड बहुत कम होते जा रहा है, सब रेस्टोरेंट्स में फ्यूजन डिशेस और ये ज्यादा होती जा रही है। यस एग्जैक्टली, तो इसीलिए थोड़ा सा हमने इसी को नॉर्थ इंडियन को ही फोकस करके रखा है कि हमको ये चीज अच्छी देनी है। ओके सो नॉर्थ इंडियन फूड इज योर नीश फूड। सर अगर आपके इंटीरियर को देखा जाए तो आपने प्लांटेशन पर मेन फोकस किया है, तो इंटीरियर सेलेक्ट करते टाइम आपने क्या चीज़ों पर फोकस किया था? इंटीरियर्स के टाइम मेरी फ्रेंड है प्रार्थना, उसने मुझे बहुत हेल्प करी है। ओके, नेचर से रिलेटेड उसने कहा कि अगर अपन फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो नेचर जितना हमारे साथ में होगा उतना हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो एक सूदिंग एनवायरनमेंट बनाना ही सबसे बड़ी, कि आदमी कहीं खाना खाने आप आए हैं फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ, तो आपको एक फील आना चाहिए कि नहीं यार एक प्लेजेंट सा मौसम है, हम लोग बैठे हैं रिलैक्स कर रहे हैं। ग्रीनरी हमेशा एक गेट अवे होता है कि आप आराम से अपना चिल आउट कर सकते हैं, दिन भर की टेंशन छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं। एग्जैक्टली सर, आपका रूफटॉप हमको बिल्कुल ऑर्गेनिक एम्बियंस दे रहा है, दैट्स ट्रू। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कोई मैसेज जो आप आपके ऑडियंस को देना चाहते हैं? ऑडियंस को भाई एक ही मैसेज है कि आप आए बिल्कुल एक बार ट्राई करें अवान्ते। तो गाइज यहाँ अवंते रूफटॉप पे हमने ट्राई की इनकी कुछ बेस्ट फूड डेलिकेसीज, एंड डेफिनेटली इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और अगर आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ विजिट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। टिल देन, बाय बाय।